देश के कुछ राज्यों में जहां भीषण गर्मी पड़ रही है तो वहीं कुछ राज्यों में मॉनसून और प्री मॉनसून बारिश ने दस्तक दे दी है। इसी बीच मौसम विभाग ने 3 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और कोंकण क्षेत्र में काफी तेज बारिश होने की संभावना है। इसी बीच दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा साथ ही उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बादलों की तेज गरज और बिजली की तेज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जाहिर की गई। इसके अलावा राजस्थान और इससे सटे इलाकों में 16 जून तक गर्मी का प्रकोप रहने वाला है। इस दौरान महाराष्ट्र में मॉनसून के सही समय पर आने की संभावना से किसानों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के विदर्भ जिलों में गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना जाहिर की है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी ऋषभ पांडे फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभ, मॉनसून और प्री मॉनसून की जो बारिश है उसने कहीं ना कहीं अपनी रफ्तार को पकड़ लिया है। मौसम विभाग आए दिन यहां पर अलर्ट जारी कर रहा है अलग अलग राज्यों के लिए। इसके अलावा क्या अपडेट है आपके पास? पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र और गोवा के बाद अब गुजरात में जो मानसून है वो प्रवेश कर चुका है, जिसके चलते सुबह से ही गुजरात के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। हालांकि वहां पर लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है, लेकिन गुजरात के अरावली, साबरकांठा, राजकोट, अहमदाबाद, अमरेली, जूनागढ़ जिलों में काफी तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ लोगों को एक तरफ जो गर्मी थी उससे राहत मिली है। हालांकि यदि देखा जाए तो महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि गुजरात क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और मुजफ्फराबाद जैसे कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश का भी अनुमान जताया हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना जताई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए लेकर कहा है उसमें साफ तौर पर 16 जून तक गर्मी के अंदेशा जताया हुआ है। हालांकि लू चलने की बात अभी तक मौसम विभाग ने जारी नहीं की है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।